कन्हैया कुमार ने बिहार में जाकर के जो कुछ भी बोला है उसको लेके बीजेपी वाले सवाल के जवाब को तलाशने की कोशिश में लग चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कन्हैया कुमार को थोड़ा संभल करके बोलना चाहिए, हिदायत भी दी जा रही है, उस वीडियो का जिक्र भी मैं करूंगा। लेकिन बाबा रामदेव जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं, क्यों हैं, अगर आप एक्सपोजे वाली प्लेलिस्ट देखोगे ना, कहानी आपको समझ में आ जाएगी। इनकी भी वीडियोज आपको दिखाऊंगा निकाल करके। तीन युवा चेहरे कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवाणी जैसे ही बिहार में पहुंचते हैं और एक खबर सामने निकल करके आती है कि कांग्रेस अब महागठबंधन से अलग हो चुकी है। आप सभी को एक बात पता होगी, लंबे अरसे से बिहार में आरजेडी की साथी रहे कांग्रेस ने अब महागठबंधन से, अलायंस से खुद को अलग करने का फैसला ले लिया है। इस बार बाईपोल इलेक्शन उपचुनाव तो वो दोनों अलग लड़ेंगे ही लड़ेंगे, साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव भी बिहार की सभी 40 सीटों पर कांग्रेस अब अकेले लड़ने जा रही है। कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति के उभरते हुए युवा चेहरे के रूप में सबके सामने आ रहे हैं। वहीं वर्तमान में आरजेडी की पूरी जो बागडोर है, जो कमान है, जो जिम्मेदारी है, वो सब के सब अब तेजस्वी यादव के ऊपर है, क्योंकि वो भी बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के युवा चेहरे के तौर पर चुनावी मैदान में है। बात यहाँ पर सिमिलर है। हम आपको ये सारी बातें ना अपने प्रीवियस एनालिसिस में बता चुके हैं, ऐसी सिचुएशन आने जा रही है और ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। थोड़ा भरोसा करना भी सीखिए और खबरों को समझना सीखिए। कन्हैया कुमार के तेवर तो देखिए साहब, ये जो वीडियो ना, इसको लेके कहा जा रहा है कि बीजेपी सवाल के जवाब को तलाशेगी और साथ ही संभल के अगर कन्हैया कुमार बोलेंगे तो बेहतर होगा, ये हिदायत दी जा रही है। वो आगे बात करूंगा, पहले वीडियो को एंजॉय कीजिए। कुछ हो जाए इतना तो मानते हैं ना कि कांग्रेस कभी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। बोलिए, खुल के बोलिए, कुछ हो जाए। अरे हो सकता है दो चार को सिंधिया निकल जाए, क्या दिक्कत है? क्या कांग्रेस पार्टी कभी भाजपा के पास जा सकती है? और एक इतिहास और बता देते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं, कल से प्रवक्ता जवाब दें कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके कौन ऐसी पार्टी है जिसने भाजपा के साथ गला नहीं मिलाया है। बोलिए, ये बात बिल्कुल साफ है कि बिहार में कांग्रेस खुद को, इन्हीं तीन युवाओं को, खुद के अस्तित्व और बिहार में अलग चुनाव लड़ने की, अपनी ताकत को सामने लाने की पूरी कोशिश में अब कांग्रेस जुट चुकी है, गलत नहीं है। अब देखिए, अब दिलचस्प होने जा रहा है बिहार विधानसभा के दो सीटों का चुनाव, तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर होने वाला वो बाईपोल इलेक्शन उपचुनाव। अब वो काफ़ी दिलचस्प हो गया, वजह कि एक तरफ तो जेडीयू अपनी जीती हुई सीट को लेकर के दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं ताकि जीत को निश्चित, सुनिश्चित और पक्का कर दिया जाए, पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन महागठबंधन से अलग राह अपनाने के बाद अब कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बजाय दमदारी के साथ लड़ने का फैसला लिया है, पूरी ताकत को झोंक दिया है। अब बिहार में जिस तरह से अपनी एक पारंपरिक सीट कुशेश्वर स्थान को लेकर के कांग्रेस ने अपने तेवर दिखाए हैं, उसे देख करके भैया कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि कांग्रेस एक बार फिर से बिहार में खो चुके अपने जनाधार को वापस लाने में जुट चुकी है। अब देखिए, अब आप किसके, दो चीजें हैं, या तो कांग्रेस जीतेगी या फिर हारेगी। चुनाव परिणाम में कांग्रेस दूसरे नंबर पर भी अगर आ जाएगी तो आप इसको बहुत बड़ी जीत समझिएगा। वहीं अगर इसका सेकंड पर्सपेक्टिव देखें तो आप ये समझिए जो जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि कांग्रेस के महागठबंधन से अलग होने के बयान को आप एक तरह से ये समझिए कि राजनीतिक स्टंट है ये। और कुछ पत्रकार ये कह रहे हैं कांग्रेस आगे भी अगर इस बयान पर कायम रहेगी तो वो ऐसे होने की संभावना ज्यादा है कि कन्हैया कुमार, हार्दिक और जिग्नेश की बिहार में एंट्री चुनाव परिणाम में कोई खासा असर नहीं डालने वाली है, बल्कि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को बिहार में अपना चेहरा बनाया हो लेकिन इससे कुछ खास असर नहीं पड़ने जा रहा है, कुछ बदलने नहीं जा रहा है। कुल मिलाकर के उपचुनाव में कांग्रेस की साख अब दांव पे लग चुकी है, ये पत्रकारों की अपनी एक एनालिसिस है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में प्रोजेक्ट करना कन्हैया कुमार को कांग्रेस के लिए के साख को दाव लगाने वाला है? कमेंट डाउन। अच्छा, कुछ लोग कन्हैया कुमार को संभल करके बोलने की बात क्यों कह रहे हैं
और अगर संभलने की बात कह रहे हैं तो क्या बात रख रहे हैं। अब देखिए, अब जो मैं आपको आगे की बात बताऊंगा ना, जो आपने वीडियो देख चुका है उसको ध्यान में रखिएगा और फिर सुनिएगा। देखिए, कहा जा रहा है कि इस समय पहले से ही सांप्रदायिक साम्राज्य का शासन है। ऐसे में उनसे कठिन और असहज करने वाले सवाल पूछ करके विपक्ष की एकता को छिन्न भिन्न करने का मन नहीं होता है। कन्हैया कुमार को यह समझना चाहिए कि राजनीति में विपक्ष दुश्मन नहीं होता है, साथ मिलकर के काम करना होगा, खास करके तब जबकि सांप्रदायिक दुस्साहस हम सब के सर पर नंगा नाच कर रहा हो। कन्हैया कुमार अब विश्वविद्यालय की लफ्फेबाजी से बाहर आ चुके हैं, अब उन्हें संयमित भाषा और सब्र का परिचय देना चाहिए। अपनी विरोधी पार्टी को टारगेट करने के बजाय बीजेपी ही ध्यान रखना चाहिए, और जो विपक्षी पार्टी है वो मित्र है, आपके दुश्मन नहीं है, तो कन्हैया को सोच समझ करके बोलना चाहिए। तो ये तो हिदायत दे दी गई, वीडियो आपने देख लिया। लेकिन बाबा रामदेव जी वही हैं, बाबा रामदेव सन्यासी भी हैं, इन्होंने ट्वीट किया था कि कालाधन वापस अगर आ जाएगा तो 30 रुपये लीटर के पेट्रोल आपको मिलेगा। जब आप 130 रुपये जब पेट्रोल का आप दे रहे हैं, तो बाबा रामदेव ने वो ट्वीट पीछे से डिलीट कर दिया। भैया देखो, सिंपल सी बात है कि एक चीज़, एक बार अगर आपने ऑनलाइन कदम रख दिया तो आप जितना चाहो जितना पीछे भाग जाओ, चाहे जो कोशिश कर लो, जो आपके फुटप्रिंट है ना वो हमेशा आपके, अब समझो, सोशल मीडिया पर रहने जा रहे हैं। ट्विटर से डिलीट किया तो आर्काइव से जाके निकाल लिया उनका ट्वीट, के भैया देखो ट्वीट डिलीट करके भाग गए। तो ऐसे ही एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि बाबा रामदेव जी एक बात बताइए, आपने कहा कि काला धन वापस आएगा, 30 रुपये लीटर पेट्रोल मिल जाएगा, तो बाबा रामदेव जी तो हम 120-130 रुपये पेट्रोल ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि काला धन अब ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। बाबा रामदेव जी का जब आप रिप्लाई सुनेंगे तो शायद इसको शेयर करने से आप नहीं बच पाएंगे। लेकिन अभी दाम इतने बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब काला धन देश में बढ़ रहा है क्या? देखो, जो काला धन भ्रष्टाचार व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हमने पूरे देश में आंदोलन चलाया, तो मैंने उस समय कुछ प्रोविजंस रखे थे कि टैक्स टेररिज्म से और अलग अलग प्रकार के जो कुछ आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम थे, तो मैंने ये बोला था कि जो क्रूड ऑयल का रेट है उसके अनुरूप यदि तेल बेचा जाए और उसके ऊपर टैक्सेशन कम कर दिए जाए, तो निश्चित रूप से जो मैंने बोला था वो हो सकता था। अब सरकार ने जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को संजोया हुआ है, अब उनको राष्ट्रहित के सामाजिक कार्यों को भी जारी रखना है, अलग अलग आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार को सरकार भी चलानी है, तो उसके लिए उनको जो टैक्स है उसको नहीं हटा पा रहे हैं, तो कभी ना कभी तो ये सपना साकार होगा, ऐसी अपेक्षा है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप शेयर करेंगे मुझे भी अच्छा लगेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेट होंगे। I9 न्यूज इंडिया के जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेट्रियन मेंबरशिप जरूर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।